एक रेगुलर शिक्षा के साथ साथ उन्होंने एक महिलाओं की सेना की टुकड़ी भी तैयार करी और उन्हें युद्ध कौशल से भी ट्रेन करा, उन्हें स्किल से भी ट्रेन करा, और यहाँ तक जो हम सती प्रथा की बात करते हैं, वह स्वयं सती अपने ससुर जी के आग्रह पर सती जाने का निर्णय उन्होंने अपना, मतलब हम कहते हैं राजा राम मोहन रॉय ने इस सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसको धीरे धीरे समाज से इसको खत्म करने का प्रयास किया, आंदोलन किया, पर उन्होंने तो वो स्वयं के जीवन में अप्लाई करा और उनके राज्य में स्त्री शिक्षा के इम्प्रूवमेंट पर फोकस करने के साथ साथ उन्होंने विधवाओं को, जिनके पति ना रहे हों, जिनके बेटे ना हो, उनकी प्रॉपर्टी को शासन राजसात कर लेता था, वो नियम लाके उन्होंने वो व्यवस्था बंद करी। और एक विधवा जब उनके पास आई कि मेरी प्रॉपर्टी बहुत है, मेरे बेटे का देहांत हो गया है, मेरे घर में और कोई नहीं है, जो लोगों मेरे रिश्तेदारों की नज़र उस पर है, वो मुझे बच्चे को गोद भी नहीं लेने देना चाहते, तो आप इसको अपने अपने ट्रेजरी में आप मेरी सारी प्रॉपर्टी को ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, तुम्हें अगर लगता है कि तुमको इस पैसे का कुछ उपयोग करना हो, मैं अतिक्रमण करी हुई पैसे से अपना राजकोष नहीं बढ़ाना चाहती, तुम अच्छा ही कुछ काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ फला फला जगह, वहां जाके तुम मंदिर का, धर्मशाला का निर्माण अपने पैसे से कर लो, और आपको ये जानकर अच्छा भी लगेगा कि उनके जो लोक माता बनने वाली और श्रद्धा वाली बात कही ना आपने, एक वहां पर एक उन्होंने जो अपना महेश्वर दरबार जी बात में पत्र है, उसके पत्र नंबर 251 में वो उल्लेख करती हैं, उनके यहाँ पे दो प्रकार की निधियां थी, खासगी और सरंजामी। खासगी उनकी व्यक्तिगत, उनके ससुर जी ने उस समय उनको 16 करोड़ रुपए की एक पर्सनल उन्हें एक राशि दी थी, और राशि के साथ में कुछ गांव भी उनके साथ में कुछ खासगी में थे, उससे रेगुलर आमदनी होती थी। वो लिखती है कि मैं राज्य जो अन्न भी ग्रहण करती हूँ, मैं राजकोष से ग्रहण नहीं करती, और अगर मैंने राजकोष से एक कौड़ी ली हो तो उसकी जगह मैं 5 कौड़ी वापस करूंगी। ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ये जो शुचिता है, ये उन्हें लोक माता बनाती है, संवेदनशीलता के साथ साथ अपने खुद के जीवन में उसको एप्लीकेशन करना। आज हम कई बार सोचते हैं कि वो सरकारी पैसा है तो कितना भी खर्च कर सकते हैं, सरकारी पैसा है तो उसके प्रति जवाबदारी कई बार नहीं होती है, यहाँ तक कई बार हम लोग अपने दफ्तरों से निकलते समय हम अपने स्विच, बिजली का स्विच और या एसी का स्विच भी बंद करके कई बार नहीं निकलते हैं, जो कि उसका बिल हमें नहीं देना है। ये मानसिकता एक व्यक्ति के नाते से जिसके अंदर होगी, और लोक माता का अगर विषय कहें तो उन्होंने प्रशासन की इतनी सारी व्यवस्थाएं उस समय उन्होंने बनाई, टोल टैक्स की जांच जो हम बात करते हैं, वो टोल टैक्स की व्यवस्था उनके राज्य में थी, और वो टोल टैक्स क्यों था, वो खुद नहीं उसका उपयोग करती थी, जो भील उनके राज्य में थे और कुछ थोड़ा सा उनका जो कमाने का तरीका था वो कोई बहुत रचनात्मक और सकारात्मक नहीं था, तो उन्होंने उसमें ये किया तरीका कि उनको ओरिएंटेशन करी, उनको दुरुस्त करने का प्रयास किया, उनको बुराइयों से दूर करने का प्रयास किया। अब उनके पास कोई भूमि नहीं थी तो उन्होंने तीर्थ कर लगाया, जिसके साथ स्वेच्छा के साथ उसको जोड़ा, और वो जो पैसा मिला, देश भर के जो लोग तीर्थ करने आसपास आते थे, उस पैसे से भील समाज के बंधु बांधवों को एक स्वाभिमान के साथ जीने का रास्ता देने के लिए उन्होंने उस निधि को खर्च किया। उन्होंने एक 9/11 की एक पॉलिसी वो लाई, जो भी हम कहते हैं BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, वो उस समय वो लेके आई, और वो 9/11 की जो उनकी पॉलिसी 9/11 पॉलिसी, वो उसमें
आप सरकारी जमीन पर 11 पेड़ लगाएं, उसमें से 9 पेड़ का अधिकारी राज्य होगा और 2 पेड़ से आने वाले फल या जो भी लकड़ी या जो संपदा है उसके आप खुद होंगे। उस सरकारी जमीन पर आप खेती कर सकते हैं, पर खेती के साथ आपको गौचरण के लिए व्यवस्था करनी है, तो आप सरकारी जमीन पर खेती कर सकते हैं।